नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में स्थित श्री राम कृष्ण मठ के रामकृष्ण यूनिवर्सल मंदिर के दर्शन करवाने जा रही हूँ। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, तो आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं। 19वीं सदी में संत श्री रामकृष्ण बंगाल के एक प्रसिद्ध संत थे, जिनके नाम से रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन है। दक्षिण भारत में रामकृष्ण जी के पहले मठ की नींव 1897 ईस्वी में इनके शिष्य श्री रामकृष्णानंद के द्वारा रखी गई थी। 1997 ईस्वी में इस मठ ने 100 साल पूरे किए, इसलिए 1 दिसंबर 1994 को रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 12वें अध्यक्ष स्वामी भूतेशानंद जी महाराज ने इस यूनिवर्सल टेम्पल की नींव रखी, जिसका मूर्त रूप मंदिर वास्तुकार जी वेंकट रमन रेड्डी ने दिया। इसे 7 फरवरी 2000 को 13वें अध्यक्ष स्वामी रंगनाथ नंद ने अनुयायियों को समर्पित किया। मंदिर प्रांगण की सुंदरता देखते ही बनती है। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही दाईं तरफ कार पार्किंग एवं 7 शू स्टैंड है। बाएं तरफ किताब बिक्री केंद्र है, जहाँ से आप धार्मिक पुस्तकें खरीद सकते हैं। मंदिर प्रांगण के ऊपर से उड़ते हुए हवाई जहाज को भी देखने का आनंद मिलता है। तो आइए अब मंदिर को करीब से देखते हैं। मंदिर प्रांगण में चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। शांत वातावरण में चिड़ियों की चहचहाहट मंत्रमुग्ध कर देगी। मंदिर जमीन से 10 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। प्रार्थना भवन में जाने के लिए भव्य सीढ़ी आपके सामने है। इस रास्ते से आप प्रार्थना भवन और गर्भ मंदिर में जाएंगे, जहां आपको संत राम कृष्ण की संगमरमर की मूर्ति देखने को मिलेगा और साथ में प्रसाद भी मिलेगा। 3 तल्ला विमान 102 फीट ऊंचा है, जो द्रविड़ वास्तुकला से प्रभावित है। बगल के दोनों तरफ मंदिर से निकलने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले यात्रा में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।